इंडिया और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। तो आइए रुक करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। जनपद महाराजगंज से सटे नेपाल के पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश से नारायणी नदी अपने उफान पर है। नारायणी गंडक नदी का पानी ओवरफ्लो हो जाने से पतल हवा बीओपी तथा सिंचाई विभाग के चौकी व वन विभाग की चौकी इस समय पानी से भरी हुई है। अगर कहीं बांध टूटा तो भाट क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। इससे प्रभावित होने वाले ग्राम सभा और हवा गोडावा भोडियारी बड़या कलनही तथा चंदाकूल भार तक यह पानी तबाही मचा देगा। इससे भाट क्षेत्र के ग्रामवासी काफी भयभीत है। पतल हवा पर इस पानी को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर सिंचाई विभाग द्वारा बोरे में मिट्टी डालकर इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सिंचाई विभाग के जेईएपी देव एवं एमपी सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र वासियों को डरने की जरूरत नहीं है। सिंचाई विभाग पतल हवा हेड का पानी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इससे क्षेत्र वासियों को डरने की जरूरत नहीं है। पहाड़ों पर अधिक बारिश होने से जल स्तर बढ़ा हुआ है। नारायणी नदी का पानी धीरे धीरे कम हो जाएगा। महाराजगंज उत्तर प्रदेश से न्यूज 22 इंडिया के लिए सत्येंद्र मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 22 इंडिया। खबर भी असर भी। और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।